क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है। काफी बड़ा स्टिंगरे है, काफी स्टिंगरे घर में होता है ये एलिगेटर गार्ड, और ये मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। और अब मैं चैनल में पहले बार बैक टू माई चैनल डब्ल्यू पेट ब्लॉग। तो आज हम लोग आ गए हैं कोलकाता के पाक सर्कस मेला में, जहाँ पर लगा हुआ है फिश टनल। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा फिश है ये फिश टनल में। तो वीडियो में बने रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरा इस चैनल में ऐसे ही कंटेंट आते रहेगा। तो मिलते हैं वीडियो। तो इसे कहते हैं डिम्पल बार, और इसमें स्नैक हेड भी है। इसमें दो वैरायटी का फिश है, और इसमें टॉप फिल्टरेशन का सिस्टम जो है वो फिल्टरेशन लगा हुआ है। और इधर से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर है एलिगेटर गार, जो काफ़ी कॉमन फिश है अभी मॉन्स्टर फिश में। अभी करके ये हर 10% में से 1% के घर में होता है ये एलिगेटर गार, और ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर है नॉर्मल, इसको फ्लावर ऑन भी कह सकते हैं, पर इसका क्वालिटी सही नहीं है, बस इसका हेड वगैरह नहीं आया है। फ्लावर होने तरफ मुंह बुला के रखा हुआ है। और यहाँ पर एक सी चाइल्ड कलेक्शन में से एक है सिगलेट्स वैरायटी का, ये सिगलेट वैरायटी का फिश है। इसमें हमारा भी सिगलेट्स भी काफी सारा है। और इसमें है फेदर फिश, जो काफी कॉमन है आज के डेट पर। इसे फेदर फिश कहते हैं क्योंकि का बॉडी शेप जो फेदर की तरह। और इसका टिकट 100 पर पर्सन था, हम लोग 2% आए तो यहाँ 200 लगा है। आप लोग यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। अंडा गोल्ड फिश यहाँ पर, और अंडा गोल्ड फिश है ब्लैक टायो कलर में, और ये भी काफी कॉमन फिश है, पर अभी इसका प्राइस काफी हाई चल रहा है मार्केट में। और ये कौन सा फिश है आप लोग कमेंट में बताइएगा इसके बारे में, आपको कमेंट में बताइएगा ये कौन सा फिश है। स्नेक हेड है, स्नेक हेड है काफी बड़ा, आप देख सकते हैं। इसे ईल वैरायटी में भी आता है ये, जो अभी आराम कर रहा है, थक गया है। ये काफी बड़ा साइज में। और यहाँ पर एक ये सैंडी फ्लावर हॉर्न भी है, जो मुझे काफी अच्छा लगा इस टैंक का। और ये देख रहे हैं काफी अच्छा क्वालिटी में है, पर इसका कलर उखड़ा हुआ है। जाहिर सा बात है ट्रैवल करते हैं ये सब फिश, क्योंकि हर एक मेले में लगता है ये सब, तो इस वजह से थोड़ा बहुत स्केल इसका उखड़ा हुआ है। वैसे क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है ये। ये टाइगर पैटर्न में एक सिनेगल है, और यहाँ पर नॉर्मल सिनेगल है। ये टाइगर पैटर्न में, इसको लेपर्ड सिनेगल भी बोलते हैं काफ़ी। और इसमें कॉमनली टाइगर ऑस्कर है, वो काफ़ी वैरायटी में है। और इसमें एक कॉपर ऑस्कर भी है एक दो, जो मैंने देख लिया है, जितने नोटिस किया है वो कमेंट करके बताए इसमें कॉपर ऑस्कर कौन सा है। इसमें नॉर्मल कोई कार्प है, और इसमें नॉर्मल गोल्ड फिश है, और इसमें ये काफ़ी अच्छा और एक खूबसूरत सा है
जब मैं फर्स्ट टाइम अपने घर में भी एक्वेरियम लाया था तो मेरे पास यही फिश रहता था कोई खास, पर मैंने अभी मॉन्स्टर टैंक में शिफ्ट किया है। तो ये है रेडटेल कैटफिश जो काफ़ी कॉमन है और हर एक का सपना है मॉन्स्टर वैरायटी रखना है। तो ये भी एक मॉन्स्टर है जिसको आप रख सकते हैं अपने घर में और ये काफ़ी हार्डी है, मतलब काफ़ी कम मरता है ये और इस सबका प्राइस भी ठीक ठाक होता है। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, जिसको देखना है वहाँ यहाँ पर आ सकते हैं। पार्क सर्कस ग्राउंड जो पार्क सर्कस के पास है चितरंजन हॉस्पिटल के काफ़ी नियर बाय, यहाँ पर तीन है लेकिन यहाँ पर दो और है। यहाँ पर पैरट फिश है, देख सकते हैं यहाँ पर पैरट फिश है और इसमें एक जाइंट गुरामी है, रेड टेल जाइंट गुरामी। देखिए सब मॉन्स्टर फिश है, सबका नेचर में है ही लड़ाई। देखिए लड़ रहा है, उसको मार रहा है जाइंट गुरामी। और इसमें एक शिवरम भी है जो रेड स्पॉटेड इंडोनेशियन शिवरम है। और यहाँ ये जाइंट गुरामी, रेड टेल जाइंट गुरामी, ये काफ़ी सिमिलर है। मैंने अभी आप ही लोग को दिखाया ये फिश, तो ये कौन सा फिश है आपको कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर पैरट फिश है, काफ़ी वैरायटी के पैरट फिश है यहाँ पर, शॉर्ट बॉडी हॉर्न और पैरट फिश दोनों यहाँ पर है। ये भी चिशाइल्ड वैरायटी में आता है, ये भी मॉन्स्टर के साथ रह सकता है और ये बड़ा होता है जब काफ़ी अच्छा लगता है। इसका नाम क्या है आपको कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। ये भी एक ईल वैरायटी में आता है, काफ़ी बड़ा और मॉन्स्टर साइज में है ये, इसे फेदर ईल कहते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा स्टिंगरे है जो काफ़ी कॉमन में ही है स्टिंगरे। और यहाँ पर है जाइंट गुरामी जो स्मॉल साइज में है अभी, पर ये जब बड़ा हो जाता है काफ़ी बड़ा हो जाते हैं। और यहाँ पर है एक इम्पोर्टेड फिश जिसे कहते हैं स्टिंगरे। और इसमें ऑर्डिनरी फिश है, इसमें बबल आइज गोल्ड फिश है, इसमें बबल आर कबूतर कोई भी है, कबूतर कोई भी काफ़ी फेमस फिश है और काफ़ी कोई इसको रखना पसंद करते हैं अपने पास कबूतर कोई। कॉपर और टाइगर काफ़ी अच्छा है इन लोगों ने और काफ़ी फिट गेन किया हुआ है और काफ़ी साइज में भी बड़ा है इन लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहले बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नॉलेजेबल आप लोग को वीडियो मेरा चैनल में मिलते रहेगा। तो ऊपर देखते हैं अभी और कौन कौन सा फिश इस एक्वेरियम पर है मॉन्स्टर साइज का। तो ये एक बार और आइए एलिगेटर गार्ड्स जो काफ़ी कॉमन फिश हो गए हैं आज के डेट में और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में एक संग है और ये सब मॉन्स्टर वैरायटी है, ये सबको आपको लाइव फीडिंग देना पड़ेगा। तो और ये सब जिसका बजट ज़्यादा है वो लोग रख सकते हैं क्योंकि इनके लाइव फीडिंग देना पड़ता है क्योंकि ये लाइव खाते हैं। और इसके दांत आप देख सकते हैं, आपको दांत दिखता होगा, काफ़ी डेंजर होते हैं, बहुत बार अगर आप उसके पानी में हाथ देंगे तो ये आपको भी काट के खून निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि इनके पास इतना पावर होता है आपकी उंगली काट के अलग कर देते हैं। और ये भी आते हैं चिटाइल्ड में, ये है पीकॉक और डॉल्फिन्स, इसे कहते हैं डॉल्फिन चिकलेट्स और एक फायर माउथ है इसमें। तो अब हम लोग आ गए हैं मेन पोर्शन में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में वीडियोस फिश है जो आपको दिखता नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी फिश है। और यहाँ पर काफ़ी सारा डैमासोनिक बार्ब है, इसको डैमासोनिक बार्ब कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में और क्वांटिटी में है यहाँ। यहाँ पर बड़ा बड़ा साइज के कोई कॉर और टाइगर ऑस्कर है, टाइगर शार्क, तो काफ़ी कॉमन है,
एल्बिनो शॉप भी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। का मेन मकसद जो था मेरा आप लोग को इसको दिखाना, जो मैंने आपको अभी वहाँ पर दिखाया था एलिगेटर घास, ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था इनके पास इतना पावर होता है कि ये आपका हाथ अलग कर, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ में है।